morning. Assalamu alaikum. Today we start our mathematics class of 4. In this class we learn unit number 3, multiplication and division. Let me first start multiplication. We learn about multiplication of 2 digit numbers and 1 digit numbers in previous class. Now we will learn how to multiply number having 3, 4 and 5 digit. Let us start our exercise multiplication and find product on page number 18 and 19. Question number 1, 2, 3 and 23 multiplied 39. सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है वो आप नंबर ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, आप नीचे डाउन पे लिखेंगे. इसके लिए जरूरी है कि यूनिट यूनिट के नीचे आए, टेंस टेंस के नीचे आए. यहाँ पे जो हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द नंबर ऑफ द मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड, व्हाइल द नंबर बाय व्हिच मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड is called multiplier. The result of two multiplication or more number is called product. Now we solve question. सबसे पहले जो नीचे यूनिट होता है आपने उसका टेबल 3 तक पढ़ना है, मीन्स 9 का टेबल 3 तक पढ़े. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27. 27 जो है उसका राइट हैंड वाला डिजिट नीचे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड वाला डिजिट आप उसके ऊपर बोल देंगे. सेकंड, 9 2 18, 18 में 2 प्लस करेंगे 20. जब हम सेकंड डिजिट स्टार्ट करते हैं तो उसके नीचे यूनिट के नीचे हमेशा मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, उसके नीचे यूनिट के नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगाना चाहिए. देन जब हम सेकंड डिजिट स्टार्ट करते हैं तो आपने इसको पेंसिल से कट कर देना है ताकि वो आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे. अब आप पढ़ेंगे 3 3 9, 3 2 6, यहाँ पे आपके पास कोई कैरी नहीं है. अब आप इस सम्स को प्लस कर देंगे, 7 के नीचे मल्टीप्लाई का निशान है तो 7 आएगा, 9 0, तो जिस डिजिट में यानी 0 किसी भी डिजिट में प्लस होता है तो 9 आता है. 6 में 2 प्लस किया 8, इट्स योर आंसर. ये आपका था 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 834 मल्टीप्लाई 222. अब यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट है तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड को आप इसको पेंसिल से कट कर देंगे ताकि ये बीच में ना हो. देन आप फर्स्ट वाला डिजिट का नंबर 4 तक पढ़ेंगे, फिर 2 का 2 तक पढ़ेंगे, फिर 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे. 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16. अब ये नंबर 2 डिजिट से आया है, ये नंबर है तो आप 8 के नीचे 6 लिखेंगे और ये वाला 1 साइड पे कर देंगे. डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए. अब इसको आप कट कर दें, सेकंड डिजिट है आपका 2. यहाँ पे बेसिकली दोनों तीनों डिजिट सेम है तो जो डिजिट जो नंबर आपके पास ऊपर आया है वही आपके पास नीचे आएगा. 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16. देन जब हम थर्ड डिजिट स्टार्ट करते हैं तो थर्ड डिजिट स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के निशान आपके पास 2 आएंगे. जब आप 2 डिजिट करेंगे तो 1 आएगा, जब आप 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 आएंगे. सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 8 16. देन आप इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लायर को प्लस कर दें, 8 में 4 प्लस किए 12, 2 यहाँ आया 1 ऊपर गया. 6 में 1 प्लस किए 7, 7 में 4 प्लस किए 12 और 12 में 1 प्लस किए 19, 1 ऊपर कह रही है. 6 1 7, 7 1 8, 8 and 4 12, 12 फिर आया 1 आपको कह रही ऊपर गया. 6 1 1 8, अब 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है. सी 7480 मल्टीप्लाई 5323. फर्स्ट नंबर आपने एस सीधा लिखा, सेकंड नंबर उसके नीचे बिल्कुल यानी यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, टेंस के नीचे टेंस. अब आप पहले वाला डिजिट यहाँ 0 तक पढ़ेंगे, फिर 3 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, फिर 3 का टेबल
टेबल सेवन तक पढ़ेंगे। इस तरह आप पढ़ते रहेंगे, फिर टू का टेबल पढ़ेंगे, फिर थ्री का टेबल पढ़ेंगे, फिर फाइव का पढ़ेंगे। अब आप सबसे पहले वन करें, मतलब पहला वाला डिजिट है आपका थ्री, थ्री जीरो जीरो, थ्री एट जो 24 जो है वो आप दो ऐसे लिखते हैं, जो राइट हैंड वाला नंबर होगा मतलब फोर वो आप नीचे लिखेंगे, जो लेफ्ट हैंड वाला नंबर होगा वो आपका ऊपर जाएगा। थ्री का टेबल आप फोर तक पढ़े, थ्री फोर जो 12 में आपने कैरी को प्लस करना है, टू प्लस किया 14 आया, फोर यहाँ लिखा है ऊपर वन चला गया, थ्री सेवन का 21, 21 में वन प्लस किया 22, ये आपका एक डिजिट सॉल्व। अब आप टू पे आ जाए, अब आपने जैसे आपने थ्री को मल्टीप्लाई किया है इसी तरह आपने टू को मल्टीप्लाई करना है, टू जीरो जीरो, टू एट जा 16, राइट हैंड नंबर नीचे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड नंबर ऊपर जाएगा, टू फोर जा 8 और 1 प्लस करेंगे 9, टू सेवन जा 14, 14 यहाँ आ गया, इसके ऊपर कोई कैरी नहीं था तो टू सेवन जा 14। लेट स्टार्ट डिजिट नंबर थ्री, तो थ्री में थ्री है, जब आप थ्री स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के जो सिंबल है वो दो मरतबा लगाएंगे, थ्री जीरो जीरो, थ्री एट जार 24, राइट हैंड फोर नीचे आया, टू ऊपर गया, थ्री फोर जार 12, 12 में टू प्लस करेंगे 14, 14 का राइट हैंड नंबर नीचे आया, वन ऊपर चला गया, सेवन थ्री जार 21, 21 में टू प्लस करेंगे तो 22, सेवन थ्री जार 21 और टू प्लस करेंगे। अब लेट्स स्टार्ट डिजिट नंबर फोर, फोर स्टार्ट किया, फाइव का टेबल आपने जीरो तक पढ़ना है। अब फोर डिजिट स्टार्ट करने के लिए आपने सिंबल थ्री लगाने, फाइव जीरो जीरो, फाइव एट जा 40, जीरो इधर आया, फोर आपका ऊपर चला गया, फाइव फोर जा 20, 20 में फोर प्लस करें 24, फोर इधर गया, टू आपका ऊपर चला गया, फाइव सेवन जा 35, 35 में टू प्लस किया 37, आगे कोई डिजिट नहीं है। तो अब आप हम सबको सम करेंगे, जीरो के नीचे कोई डिजिट नहीं है, सैम्बल है तो जीरो का जीरो, फोर के नीचे जीरो है तो सैम्बल है तो फोर के नीचे फोर। जब आप इसको कॉपी पे करेंगे तो आपका बिल्कुल सीक्वेंस आना चाहिए, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, सिक्स में फोर प्लस करें 10, जीरो यहाँ आया, कैरी वन ऊपर चला गया, नाइन में वन प्लस किया 10, 10 में टू प्लस किया 12, 12 में फोर प्लस किया 16, सिक्स यहाँ गया, वन ऊपर, टू में वन प्लस करें 3, 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में 4 प्लस किया 11, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, 4, 5, 6, 7, 8, 7 में 2 प्लस किया 9, 3 का 3, इट्स योर आंसर। बाकी तमाम क्वेश्चन बिल्ड नंबर स्किल नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए गए वो आपने खुद सॉल्व करने बुक से। लेट्स स्टार्ट बिल्ड योर स्किल 2, यहाँ पे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई है, वर्ड्स प्रॉब्लम में इंग्लिश दी जाती है, पहले आपको उसको क्वेश्चन पढ़ना होता है, फिर आपने उसका डेटा बनाना है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देयर आर 231 ट्रीज ऑन अ फार्म, एक खेत है उसमें 231 दरख्त हैं, हाउ मैनी ट्रीज विल देयर बी ऑन 24 सच फार्म, आपने बताना है कि कितने दरख्त होंगे अगर 24 खेत हों, 24 खेत होंगे, 24 खेत होंगे तो आपने बताना है वहाँ पे दरख्त कितने होंगे। पहले आपने इसका डेटा बनाना है, डेटा कैसे बनाते हैं कि पहले आप यहाँ ये देखें कि 231 क्या है, यहाँ पे देखें ट्रीज हैं फॉर्म, तो आप यहीं से डेटा बनाएंगे ट्रीज ऑन अ फॉर्म, ये आप यहाँ लिख देंगे और कितने ट्रीज हैं 231, एक बल का निशान लगाएंगे यानी उसके बराबर। आपने मालूम करना है 24 सच फॉर्म्स मालूम, आप देखेंगे ट्रीज ऑन 24 सच फॉर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें नहीं पता कि 24 खेतों में कितने दरख्त होंगे। जब भी आप एक चीज़ जानने की हिंट याद रखिए कि जब आपको एक चीज़ की कीमत दी जाए, दो या दो से ज़्यादा कीमत मालूम की जाए तो वहाँ पे हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे दरख्तों की कीमत बताई गई है और आपको 24 सच फॉर्म्स बताने हैं, इसलिए आप 231 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, 4 टू जा 8 प्लस किया 9, मल्टीप्लाई 4 वन 2, सो 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6, 2 टू जा 4, यहाँ पे आपने इसको प्लस करना है, 4 के नीचे 4, 2 प्लस 2 4, 9 में 6 प्लस किया 15, कैरी 1, 4
पे लिखेंगे 5,544 ट्रीज विल देयर बी ऑन 24 सच फॉर्म, इट्स योर आंसर। आगे जो वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई है वीडियो स्क्रिप्ट 2 में आपने खुद सॉल्व करनी है, इसी तरह ही अब अगली वीडियो में हम रिवीजन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है।